था कि दाबा दिमाग शरीर के स्व संचालन को नियंत्रित करने में, उसको व्यवस्थित करने में लगा रहता है। और जिन जिन लोगों के उस दिमाग का जो कैपेसिटी कम हो जाता है, उनके किडनी फेल होना, उनके लीवर में सूजन आना, उसमें पानी भर जाना, आप समझिएगा मत के रोग मात्र किसी बार के प्रदूषण से या खान पीन के अपरे से या जीवन की अव्यवस्था से आती है। अगर आप अपने योग प्राणायाम नित्य व्यायाम के क्रिया से दिमाग को पूर्ण रूप से जीवित रखने की, शक्तिमय रखने की ताकत रखेंगे, तो उस दिमाग के कंट्रोल में रहा हुआ शरीर का हर अंग सदा के लिए यौवन युक्त और श्रेष्ठता युक्त बना रहेगा। अब खास बात बताना, ये बात शुरू हुआ कि मैंने पहले बताया था कि हर मंदिर में नागों का लिपटा हुआ चिन्ह होता है और मेडिकल काउंसिल का चिन्ह भी ये नागों का लिपटा हुआ चिन्ह है। इसको शुरू करने के समय में मैंने जो बात शुरू की, फिर समझा, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैं शरीर की रचना के बारे में बताने लगा। एक युगों पहले जब प्राणियां जब उत्पन्न हुई तो प्राणियों की सभी शक्ति उनके स्पाइनल कार्ड से कंट्रोल होती थी, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। आज भी हम किसी भी व्यक्ति को, समाज में बड़ा हो श्रेष्ठ हो, तो उसको हम ये समाज का रीढ़ है ऐसे कहते हैं, ये समाज का बैकबोन है ऐसे कहते हैं। आज के तारीख में भी बैकबोन की इंपॉर्टेंसी, रीढ़ की हड्डी का महत्व को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन विकसित होते होते प्राणियों में देखिएगा, अब कितने प्राणियों में ऐसा गुण है जो अपने बच्चों को खा जाते हैं। सर्प लीजिएगा, कुत्ते लीजिएगा, ये सब प्राणियां जैसे ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जन्म देते ही उन अपने ही बच्चों को खा जाते हैं। मनुष्य उन बच्चों को प्यार से देखता है कि मुझे बच्चा हुआ है, मुझे पुत्र या पुत्री हुई है। सभी प्राणियों का जननांग से जन्म की क्रिया समान है, तो एक प्राणी अपने ही बच्चे को खाता है, एक प्राणी अपने बच्चे को प्यार करता है, ये दो प्रकार का बदलाव कैसे आया? तो धीरे धीरे मनुष्य के विकास में जो हमारे अंदर नियो कार्टेक्स नाम का एक वस्तु प्रकट हुआ, जिस वस्तु के प्रकट होने के बाद अपना कौन है, पराया कौन है, सही क्या है, गलत क्या है, दुश्मन कौन है, मित्र कौन है, ये समझने की ताकत हमारे अंदर ये नियोकॉर्टेक्स के भाग ने उत्पन्न किया, जहां से नियोकॉर्टेक्स हमारे अंदर प्रकट हुआ। क्योंकि युगों पहले ये था नहीं हमारे पास, जब इंसान गुफाओं में जीता था, अपने मर्जी जैसे जीवन जीता था। और जैन इतिहास को देखो, कि कोई भी इतिहास को, उस जमाने में बच्चे ऐसे जुड़वे उत्पन्न होते थे, और जुड़वे में भी एक लड़का एक लड़की। और जुड़वे जब बड़े होते थे तो उनको जो बच्चा होता था वो एक लड़का लड़की होता था। ये लड़का लड़की अपने ही संबंध से, ये जुड़वे खुद शादी करते, उनसे एक जुड़वा होता, उनका जुड़वे से एक जुड़वा होता। ऐसा एक सिस्टम रहित जीवन जब तक हम जी रहे थे, तब तक ये नियोकॉर्टेक्स पार्ट का हमारे अंदर विकसित नहीं हुआ। ये नियोकॉर्टेक्स के पहले लिम्बिक सिस्टम हमारे अंदर प्रकट हुआ। ये सभी मेडिकल साइंस की बातें, इसको ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, फिर भी मैं आज की भारतीय धर्म क्रियाओं में, आज के मेडिकल साइंस में बताए हुए सभी बातें लाखों वर्ष पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं, ये साबित करने के लिए ये सभी बातें आपको मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि समझाऊंगा तो फिर आप लोग देख के बोलेंगे हमारे सिर के ऊपर से ये बातें जा रही है। आप ध्यान रखिएगा, जो बात क्लिष्ट होगी, जो बात समझने में थोड़ी कठिन होगी, या जो बात को समझने में मन में मजा नहीं आता होगा, सफलता उसी में छुपा है। और जिस बात को सरलता से मनोरंजन के साथ आप सुन रहे हैं, उस बातों से आपके जीवन में कोई प्रकार का विकास संभव नहीं है। जिसको सुनने से मजा आता है उसको सुनने से मजा मात्र आएगा, जिसको सुनने से कंटाला आता है, क्लिष्टता लग रही है सुनने में, कठिनता लग रही है, तो उसमें फायदा जरूर होगा। अब आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको फायदा चाहिए कि मजा चाहिए। मजा चाहिए तो जिंदगी बिगाड़ते रहो, फायदा चाहिए तो सही वस्तुओं में लगे रहो। जब सही वस्तुओं में लगोगे तो सही चीज